कॉमेडी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है. वेल, वी आर गोइंग टू ईट आवर वर्ड्स, क्योंकि ये लाफ्टर के सुरमा गुड्डा गुड्डी के साथ ही अपनी हुनरबाजी दिखाते हैं. प्लीज वेलकम द अमेजिंगली टैलेंटेड विघ्नेश पांडे फ्रॉम मुंबई. थैंक यू सर. बस थैंक यू सो मच. हाँ जी, सो बस थैंक यू. हाँ, अब कोई नहीं बजाएगा तो कौन तेरा दांत बजाएगा? देखो कितना नया माहौल है, नया सेट है, नया शो है. एक मिनट, क्या हो गया? कुछ पुराना सामान दे तोड़ा इधर. किधर? अर्चना जी, हाउ आर यू? देखो ये हमारे जजेस है. तो क्या नाच के दिखाओ? नहीं. ये कॉमेडी शो के जजेस है. तो तू नाच के दिखा. अरे यार, वो नहीं बोल रहा हूं यार, एक मिनट. वेरी नाइस. मैं बोल रहा हूँ कि ये जजेस हैं हमारे, इनसे अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, थोड़ा प्यार से बात. प्यार? ओ हाँ. मेरे को एक बात बताओ, तुम ये प्यार सुन के इतनी इतनी खुश क्यों हो गई? क्योंकि मेरी खुशी का कारण यहाँ है ना, मेरा शिखर. टू क्यूट. है ना, तुम शर्मा रही हो? नहीं, खाना डाट रही हो नहीं, इधर क्या हो रहा है? तुम शर्मा क्यों रही है? अरे देख कितना खूबसूरत आदमी है यार. पांडे मेरे को पहले बोलता है शेखर सर आ रहे, मैं पार्लर होके आती. एक मिनट, पार्लर क्यों? क्योंकि वो खुद होके आए हैं. अगर तुम पार्लर होके आओगी ना तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपए का खर्चा होगा. तो 150 करोड़ का इंसान दे तो तटाना है. इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है. तू एक काम कर, मेरा टाइम बर्बाद मत कर, तू उधर देख. क्यों? अरे देखना. अरे मैं नहीं देखने लगा. देखना. अरे ये शेखू किधर चले गए? अरे पीछे यार ये लोग. ओ ओ सॉरी. क्या बात, चुनिया ले दे रही हो, तू क्यों फीलिंग ले रहा है? तो मैं क्या कह रहा था? तेरे को नहीं मालूम. सो नाइस. मैं ये कह रहा था कि शेखर सर जी, आप इसके चक्कर में मत पड़िए. हमारा ऑलरेडी चक्कर चल रहा है. Brilliant timing. सर, ये हर बड़े इंसान के पीछे पड़ जाती है. अरे पांडे, यार ने कभी छोटा थोड़ा नहीं देखते. वाह, सिर्फ पैसे देखते, पैसे. मेरे गलती कर दी क्या? इधर आके. नहीं, ये चुप ना यार. मतलब देखो, हम आते ही मैंने आपसे बात की, शेखर सर, अर्चना मैम, मैंने आपसे बात की, एक इंसान बच गया. हाँ तो बात करना मेरे से, टेंशन क्या है? तू नहीं, रोशेल. अच्छा. हाय रोशेल. हाय. ये ड्रेस आप पे बहुत जच रही है. थैंक यू. बहुत डेरिंग है तेरे तो तांडे. मैंने रोशेल की तारीफ की इसलिए. नहीं, तेरे सामने तारीफ की इसलिए. मैं समझा नहीं. एक औरत के सामने दूसरी औरत की तारीफ करना मतलब पेट्रोल पंप पे सिगरेट जलाने जैसा होता है. और उस नाम ले ले तो मेरा शेखू मशाल लेके खड़ा है. सॉरी जजेस, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता. तो एक काम कर. क्या? आधी की आधी निकल इधर से. मैं क्यों निकलूं? मैं यहाँ पे कंटेस्टेंट हूँ. तू? हाँ. आप लोगों ने इसका ऑडिशन ऑडिशन नहीं लिया था क्या? लिया था. तब दिन लेके आए इसको इधर. ये
एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे बोला था कि कोई बंदर वगैरह लेके आओ, तो मैं पांडे को लेके आ गई। थैंक यू सो मच। मैं बंदर हूँ। अब कोई बोलता है तो मान लेती हूँ। मैं बंदर नहीं हूँ, मैं पांडे हूँ। पांडे और नाम है विघ्नेश। हाय। मत कर कचरा हो जाएगा। तुम अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी मुझे भी कुछ करने दो। The floor is all yours, bro. Thank you. तो मैं हूँ एना और ये है मेरा लौंडा। एना लौंडा। Yes. So welcome to the Anna Londa show. तो दोस्तों मेरा नाम है विघ्नेश पांडे और मैं एक कलाकार हूँ। हाँ जी, ये बेरोजगार है। अरे मैं ये कह रहा था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या उखा कर लेते हो? मैं सिंगर हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं वेंट्रिलोक्विस्ट हूँ, मैं अंडे देता हूँ। बोल 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 क्या दे ही दे अंडे इधर। और वो आखरी क्या कहा तूने? हाँ हाँ, वो मैं वेंट्रिलोक्विस्ट हूँ। हाँ ये कर लेता है, ये वो कर लेते हैं। क्या? हाँ वही वो एंडोटिटिज्म। देखा, जो तू बोल तक नहीं पा रही है, ऐसी कला करता हूँ मैं, वेंट्रिलोक्विज्म। अरे करता क्या है रे भाई? करता क्या है? मैं अपने होठ हिलाए बिना बात करता हूँ। क्या करता है तू? मैं अपने होठ हिलाए बिना बात करता हूँ। और लोग इसका पैसा देते हैं? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे जिंदगी मजाक उड़ा रही है रे तेरा लाले। आलसी कलाकार है, यहाँ तक लोगों के झोंक लिख लिख के अस्तित्व हिल गए और ये साला होट भी नहीं हिला रहा है। तुम मेरी कला समझ नहीं रहे हो। वेंट्रिलोक्विज्म में क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ। नहीं, किसवी सदी की औरत हूँ पांडे, मेरे लिए कोई बात नहीं करेगा, मैं काफी हूँ। समझ गया, सॉरी, पर मैं तुम समझ नहीं रहे हो। देखो जैसे वेंट्रिलोक्विज्म में अभी जब मैं बात करता हूँ तो मेरे होठ हिलते हैं। हाँ, क्योंकि तुम नकली ऑर्थोटिस्ट है। नहीं, पर जब तुम बात करती हो तो मेरे होठ नहीं हिलते। क्योंकि मेरे होठ हिलेंगे ना येड़े। ठीक से समझो, ठीक से समझा। जब तुम बात करती हो तो मेरे होठ नहीं हिलते। तो ये तेरी कला नहीं, ये मेरा खौफ है। तेरे साथ करो ना अंडरटेकिंग। ए क्या कर रही है? ना तू ये क्या कर रही है? तूने इतने साल किया, मैंने कुछ बोला? अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगी असली ये अंडरटेकिंग। ये पांडे बोलना कुछ। दोस्तों आ रहा है, एक मिनट, आ रहा है। अरे पांडे 300 रुपया दूंगी। क्या सस्ता कॉमेडियन है, उस दिन 50 रुपए के लिए रो रहा था, आज 300 रुपए दे देने मान रही है। पांडे प्लीज। देखा इतना आसान ये कर लिया मैंने वेंट्रिलोक्विज्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे वो थोड़ी होता है वेंट्रिलोक्विज्म, तेरे को खुद नहीं पता क्या होता है एंडोटोटिज्म? क्यों तो ना तू एंडोटोटिस्ट? क्योंकि मैं ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। तो नारियल के झाड़ पे चढ़ जा। नहीं, मैं लोगों में खुशियां बांटना चाहता हूँ। तो सांता क्लॉज बन जा।
मैं लोगों का प्यार पाना चाहता हूँ तो कुत्ता बन जा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। विंटर लोकेस्ट तो है नहीं, थूक ही बन जा। एक मिनट, इसने अभी जाके सही बोला ना वर्ड। तुमको मतलब पता था कि वेंट्रिलोक्विस्ट क्या होता है? ऑफ कोर्स, सबको पता है क्या होता है वेंट्रिलोक्विस्ट। क्या होता है? मैं तेरे लिए बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। हैना, हाय। हाय। I wanted to tell you something. Yes. लोग मुझे ग्लैमरस बोलते हैं, uh-huh. लेकिन इस शो में मोस्ट ग्लैमरस लड़की तुम हो। आपको कभी भी सलोन जाना है तो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? कितना भी कोशिश कर ले पर ये मेरा ये। आना, तुम तो मुझे विघ्नेश से डेफिनेटली ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लग रही हो, तो मुझे ज्ञान की बात बताओ। हाँ, ज्ञान। ज्ञान की बात सोचने लगी। तू मेरे को क्या देख रहे है? मेरे को टेंशन हो रहा है, उधर देख। तुम जल्दी से ज्ञान की बात। हाँ, देखो, हमेशा टिचुक टिचुक करने वाला तेन खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर ढक्कन वाला तेन खरीदा तो हमेशा उसका ढक्कन घूमने के बाद नया ढक्कन नहीं खरीद सकते, नया ढक्कन वाला तेन खरीदना पड़ता है, समझे? ढक्कन नहीं, ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात बोली है ना, कमाल हो गया। शेखर ने मुझसे अभी कान में कहा कि आना से पूछना, आना तुम मेरी हो ना? शेखर हो क्या? अरे अब क्या करना पड़ेगा? विघ्नेश, तुम कॉमेडी के होप हो और लाफ्टर की टॉप हो, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉमेडी करनी है तो सिर्फ एक ही रूल है दोस्तों, कोई रूल नहीं है। प्लीज वेलकम रेबेल कॉमेडियन अंगद सिंह रनियाल फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग शेखर जी, गुड इवनिंग अर्चना जी। गुड इवनिंग। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अंगद सिंह रनियाल, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ। मैंने उसके बाद MBA करी है, फिर मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी करी है, बट अभी भी अपने माँ बाप के हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा मैं ही हूँ। पिछले 2 साल से हम सब ऐसे घर में थोड़े फंसे से हुए थे ना, ये लॉकडाउन चल रहा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल रहा है। जब पहली बार ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ ना शेखर जी, मेरे घर वाले खुश हो गए। उनको लगा हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम बातें करेंगे। फिर 2 घंटे में हमारी सारी बातें खत्म हो गई और रियलाइज हुआ कि घर का काम भी तो हमें ही करना है। 2 दिन में लगने लगा ये 2 BHK में रहते क्यों हैं, 1 room kitchen काफी है हमारे लिए। और घर में हर एक की कुछ ना कुछ ड्यूटी लग गई थी। मेरी ड्यूटी लगी थी बर्तन मांजना। 1 महीने बाद मैंने बोला सीधा कढ़ाई से खाना खाओ तुम। प्लेटें चाहिए नहीं मुझे घर में, ये मिडल में हटाओ बीच में से। मैं अपनी बीवी को पिछले 10 साल से जानता हूँ, बट थैंक्स टू द लॉकडाउन मुझे उसकी असली आईब्रोज का पहली बार ही पता चला। देखो मैं तो बनता भी नहीं आईब्रो पे जज करने वाला, मेरी खुद की यूनिब्राउ है। बट हमने सारी जिंदगी सारी आईब्रोज को सिर्फ ऐसे ही बढ़ते देखा है। मेरी बीवी की ऐसे के साथ ऐसे भी बढ़ रही है। उसके खुद के फोन ने उसको पहचानना बंद कर दिया। मैं एंड तक आते आते यूट्यूब से मैंने थ्रेडिंग सीख ली थी। मैंने कहा ये शादी को तो बचाना पड़ेगा। अब जिस वीकेंड शो नहीं मिलते मैं अपनी सोसाइटी में थ्रेडिंग का ही काम करता हूँ। और पिछले 2 साल में ना ऐसा भी बहुत हुआ कि बहुत लोगों की शादी हो गई है, जिनकी शादी हो गई थी उनके घर वालों ने बच्चे करवा दिए। ये होता है अर्चना जी, मतलब जो माँ होती है ना, हिंदुस्तानी माँ, वो आपके कभी ना कभी पीछे पड़ जाती है कि शादी कर कर, कर हाँ। जैसी मैं 25 टापा, मैं जो भी बोलता था वो इस बात से लिंक कर देती तेरी शादी नहीं हुई ना इसलिए हो रहा थे। जैसे मैंने एक दिन बोला कि आज कितनी गर्मी है, मम्मी ने बोला बेटा बीवी होती ना तो वो नींबू पानी बना देती फिर गर्मी ना लगती तेरे को। So true. पापा पीछे बैठ के बोल रहे हैं मेरा नींबू पानी का झूठी। और घर वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, बट ये नहीं चाहते कि आपका अफेयर हो। इसलिए आज तक
सारे लड़के अपने गर्लफ्रेंड का नंबर अपने फोन में कस्टमर केयर से सेव कर रहे हैं और उनके घर वालों को समझ में भी नहीं आ रहा ये कौन सा कस्टमर केयर है जो दिन में 10 बार एक फोन कर रहा है और जो सारी लड़कियां हैं वो अपने बॉयफ्रेंड का नंबर सुरेंद्र भैया के नाम से सेव कर रही हैं सुरेंद्र को पता ही नहीं उसकी 5 करोड़ बहनें बैठी हुई हैं अगर आपको लव मैरिज कर रही है ना आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आपके किसी कजन ने पहले कर लियो अच्छा। कोई फिर घर वाले कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो आप बोल दो कि मामे के बेटे की शादी में तो बड़ा नाच रहे थे तब 10-10 रुपए बार रहे थे मेरी बारात में आपको क्या दिक्कत आ रही है और अर्चना जी आप सोच रहे हो ये सब मुझे कैसे पता है क्योंकि मेरी भी लव मैरिज हुई है आई नो मेरी शक्ल से लगता नहीं है बट बिलीव इन योर सेल्फ जो लोग ज्यादा तालियां बजा रहे हैं उनको ज्यादा लग रहा है हाँ भाई इसकी होगी तो हमारी भी हो ही जाएगी बट शेखर जी मेरी पता है शिकायत क्या है कि लोग ना इंडिया में यही बात करते रहते हैं कि अरेंज मैरिज में एडजस्ट करने में टाइम लगता है कोई ये नहीं बता रहा कि लव मैरिज में भी बहुत टाइम लगता है लाइक मेरी बीवी और मैं जब हम डेट कर रहे थे हम दोनों का झगड़ा होता था हम चिल्लाते थे एक दूसरे पे तू भाड़ में जा तू भाड़ में जा अरे बाप फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते थे फिर हम डेटिंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं लेफ्ट स्वाइप मार रहे हैं राइट स्वाइप मार रहे हैं हफ्ते बाद टीवी पे कुछ कुछ होता है मैंने कहा अंजलि तो वही है कॉल करो उसको शादी के बाद हम मुंबई में 1 BHK में रहते थे झगड़ा होगा भी तो बंदा बाड़ में जाएगा कहाँ पे इंसान कब तक बाथरूम में छुप के बैठ सकता है मैं तो मजाक नहीं कर रहा हमारे लिविंग रूम में एसी तक नहीं था झगड़ा होता था खुद ही दोनों दूसरे को सॉरी बोलते थे कि दोनों को बेडरूम में सोना एसी जब हम डेट कर रहे थे हम बाहर लंच के लिए जाते थे हम ऑर्डर करते थे सैंडविच विद स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और फिर एक दूसरे से पूछते थे कि मीठे में क्या खाओगे शादी के बाद मेरे घर में सब कुछ हेल्दी हो गया मेरे घर में ब्रेड भी आ रही है तो मल्टीग्रेन इवन माय इंटेस्टाइन्स आर लाइक भाई बाहर निकालना क्या है ये सब तो चाहिए होता है शरीर को कुछ कचरा तो खा मेरे भाई बट मेरे हिसाब से जब आपकी शादी होती है ना चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो सबसे मुश्किल चीज है ना एडजस्ट करना वो है अपने होने वाले सास ससुर को मम्मी पापा बुलाना मैंने और मेरी बीवी ने सोचा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे सास ससुर मेरे सामने आए मेरी जुबान पे आ ही नहीं रहे मैंने उनको देखा मैं कहा ये नहीं है मेरे मम्मी पापा और मुझे गलत मत समझना मेरे सास ससुर बहुत ही चिल लोग हैं एकदम पार्टी वाले मेरा आज तक उनसे एक बार झगड़ा नहीं हुआ है बट मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है झगड़ा ना हुआ हो तो पेरेंट्स वाली फीलिंग ही नहीं आती अपने खुद के घर में मेरा लाठी चार्ज हो रखा है अभी पिछले दिसंबर मेरी और मेरी माँ की लड़ाई हुई मैंने कहा आप मुझसे प्यार नहीं करते मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ माँ ने बोला चला जा साले तू वैसी अडॉप्टेड है अच्छा मैंने बोला मैं अडॉप्टेड कैसे हो सकता हूँ आपकी और मेरी शक्ल मिलती है उन्होंने बोला तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ताकि तेरे पता ना चले अब दफा हो जाए यहाँ से और झगड़ा तो बहुत बड़ी बात होगी बहुत बड़ी बात होगी मेरे सास ससुर ने आज तक मेरे साथ बहस नहीं करी है मैं उनके घर लंच पे गया मैंने दाल खाई खाते ही पूछा कि दाल में नमक कम नहीं लग रहा मेरी सासू माँ नमक ले आई वो दाल पे मिक्स करके पहले खुद खा रही है कह रही बेटा ये परफेक्ट है अब तुम खा लो मैंने एक बारी अपनी माँ को बोला कि दाल में नमक कम नहीं लग रहा उन्होंने कहा सब्जी में ज्यादा मिक्स करके खा जा पर शेखर जी अर्चना जी 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी अब पहले 28 साल तक मैंने सिर्फ एक ही माँ बाप बोले अब 29 साल में तुम बोल दो माँ बाप हो जाए मैं बीवी के पास शादी से पहले गया मैंने कहा देख मुझसे तो नहीं बोला जा रहा तेरे पेरेंट्स को मम्मी पापा उसने बोला मैं तेरे पेरेंट्स को नहीं बोल पा रही मैं परफेक्ट तो इसी बात पे हमारा एग्रीमेंट साइन होने लगा बट साइन करते करते मुझे पता चला कि मेरे फादर इन लॉ के पास 4 और प्रॉपर्टीज है तो मैंने बोला पापा दाल में नमक कम नहीं लग रहा आपको अब मैं उन्हें पापा मम्मी बुलाता हूँ तो मेरी बीवी को मेरे पेरेंट्स को पापा मम्मी बुलाना पड़ता है और मैंने ये नोटिस करा है जो एक कपल जब होता है ना वो दोनों पापा मम्मी कर रहे होते हैं साथ में जो दोस्त होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था किसके पापा ने क्या कर रखा है
सही बात। दोस्त तो छोड़ो यार, कभी कभी पापा मम्मी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बार पापा से बात कर रहा था ओरिजिनल वाले, तो ओरिजिनल ओरिजिनल तो मैंने उनको बोला हाँ कल मम्मी मार्केट गई थी, पापा मम्मी का झगड़ा हो गया। मम्मी रूम पे आए चिल्लाते हुए, मैं कब गई थी मार्केट में? कभी आप नहीं गए थे, नई वाली मम्मी गई थी। नई वाली मम्मी। माँ ने बोला इसीलिए तू अडॉप्टेड है, दफा हो जाए यहाँ से। बट जो सबसे डिफिकल्ट मोमेंट है ना, जो सबसे ऑकवर्ड मोमेंट हमारे घर पे एडजस्ट होने का आया, वो आया हमारे लिविंग रूम में जब सारे साथ में थे, मैं, मेरे फादर इन लॉ और मेरे पापा। हम तीनों उस तरफ टीवी देख रहे थे और मैंने बोल दिया पापा। अच्छा। वो दोनों मुड़ गए मेरी तरफ। ये मेरी लाइफ का पहला लव ट्रायंगल था। जिसमें आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन। मैंने अपने फादर इन लॉ की तरफ देखा, उनकी आंखों में तो हाँ बेटा बताओ क्या काम है। मैंने अपने पापा की तरफ देखा, उनकी आंखों में था कुत्ते। कुत्ते। अगर आज मेरी जगह तूने उनको बुला लिया तो तेरे साथ बागबान मैं कर दूंगा। फिर मैंने पापा को आंखों आंखों में बताया कि उनकी चार और प्रॉपर्टीज हैं। तो मेरे पापा ने मेरे फादर इन लॉ की तरफ देखा और बोला अरे ये आपको ही बुला रहा होगा, मुझे तो ये अंकल बुलाता है। छा गए तुसी, छा गए अंगद, इतनी सिंपलिसिटी के साथ लेकिन इतनी ब्रिलियंस के साथ तुमने अपना स्टैंड अप किया है। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी गुड। थैंक यू अंगद। आई थिंक यू नो व्हाट कॉट माय अटेंशन इज योर कंप्लीट ईज ऑन स्टेज, एज दो यू वर परफॉर्मिंग विद योर टू फादर्स इन योर ड्रॉइंग रूम। माइंड ब्लोइंग था यार। और अच्छा। वो एक घूम घूम के टहल टहल के वाली जो बात, विच यू मेड द एक्ट लुक कॉन्वर्सेशनल, इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी डिजर्विंग स्टैंडिंग ओवेशन जस्ट लाइक हिम। सो वी विल ऑल क्लैप फॉर यू वंस अगेन। थैंक यू सर। अब एक बात बताओ मुझे आप कि ये सारे पंजाबी हाँ जी हैप्पी गो लकी क्यों होते हैं? मैं सच्ची बात बताऊं, ये हैप्पी गो लक्की तभी तक होते हैं जब तक ये पापा नहीं बन जाते। अच्छा। फिर हैप्पी गो लक्की बंद हो जाता है। मेरे पापा हैं, वो बहुत गुस्से वाले, आंखों में देख के बोलते थे मारूंगा तस गिनूंगा एक। मैं एकदम घबरा जाता था कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर धीरे धीरे अंदर का कॉमेडियन बना। एक दिन उन्होंने बोला मारूंगा दस गिनूंगा एक, मैंने क्यों गिनती नहीं आती क्या? फिर लगाई दस, उस दिन पड़ी पचास। अंगद ये बताइए कि पंजाबी मतलब पंगड़ा, पंजाबी मतलब लस्सी दारू छोले भटूरे राजमा, ये इससे आप लोग इरिटेटेड हो जाते हैं थोड़ा सा? नहीं, मैं इरिटेट इतना नहीं होता क्योंकि छोले भटूरे और लस्सी तो मुझे पसंद है। बट कुछ ना पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी बड़े हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिस तरह की हम एकदम ब्रेव हैं, हम किसी से डरते नहीं, निडर हैं। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कैसे हो फिर, कैसे हो? मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ अर्चना दी। मैंने हॉरर मूवी देख ली तो मैं अकेले सो नहीं पाता। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, मुंबई एक दोस्त के घर जा रहा था, उसकी सड़क एकदम सुनसान, ना लाइट ना कुछ, तो मैं घबरा गया, मैं नहीं जा सकता इस गली में। तो मैंने वही करा जो एक समझदार इंसान करेगा, मैंने वेट करा कि पहले कोई आए मैं साथ साथ चला जाऊंगा। तो एक लड़की आई, मैं उसके साथ साथ चल पड़ा। मैंने इतनी दूरी रखी कि उसको कुछ ना लगे, बट मैं इतना पास था कि भूत आ गया तो मैं उसकी बलि दौड़ा के भाग जाऊं। बट फिर शेखर जी मुझे ध्यान हुआ कि हो सकता है यही भूत हो। इसने देखा मैं ऐसी गली में घुस नहीं रहा हूं, तो ये इंसान का रूप लेकर आ गई। पहले तो उसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, जो आपको पता है सारे भूतों की यूनिफॉर्म है। उसके घने लंबे बाल थे, जो तो हम पंजाबियों को तो बड़ी पसंद है। वो लड़की है जो हम नॉर्थ इंडियंस को बड़ी पसंद है। मुझे तो यकीन होने लग गया ये भूत ही है। मैं पत्थर ढूंढने लगा, वो मुड़ गई। मैंने कहा गए भाई, हो गया काम। कहने लगी सर मुझे पता है, यहाँ मुझे डर लग रहा था, थैंक यू आप मेरे साथ है, मेरी रक्षा करी आपने। मैंने कहा मैडम जी प्लीज, ये तो हम पंजाबियों का फर्ज होता है। अंगद आप कॉमेडी की होप है और लाफ्टर की तोप है।
थैंक यू सो मच. वेल डन वेरी वेल डन. पंचेस का लगाने जोर आ रहे हैं लुधियाना से जसवंत सिंह राठौर. क्या बात है. सबसे पहले तो आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हो रही है एक साथ. ऐसा लग रहा है मिथुन चक्रवर्ती और अनीता राज की कोई पुरानी फिल्म दोबारा रिलीज हो गई है. जिहाले मस्किन मकुन बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है. ओ सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या और कोई शक हमारा दिल है. ओ अच्छा गाया. बहुत अच्छा गाया. पंजाबी बंदे की गाने में तारीफ हो जाए अपने आप में रिकॉर्ड है. क्योंकि पंजाबियों के बारे में सबको भ्रम है. सबको लगता है या तो पंजाबी गाना गाते हैं या सीधा कनाडा जाते हैं. पंजाबी जो रह जाते हैं वो कॉमेडी शो में आते हैं. और ये बड़े कमाल की जगह है. यहाँ पर जो जीत जाए अपना खुद का कॉमेडी शो लेके आते हैं और जो हार जाए कभी कभी CM भी बन जाते हैं. Okay. पंजाब वाला माहौल है तो बता दूं पंजाबी भाषा में बड़ा प्यार अपनापन है. जैसे रोशन जी बैठी हैं, अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे, वो देखो सुंदर लड़की बैठी है. पंजाबी में वो देखो थोड़ी भाभी बैठी. अपनापन. अब पंजाब की बात चली है तो मैं पंजाब के पहले हीरो की बात करूंगा. पहला हीरो जिसने बॉलीवुड में धाक जमाई थी, यानी गैस तारा सिंह जी. तारा से एक बार जोरदार तालियां रुस्तम हैं तारा सिंह जी के लिए. तारा जी देखो बेसिकली लोग उनको पहलवान समझते हैं, लेकिन पहलवान तो थे. हाँ. लेकिन वो अंदर की बात बताऊं वो हरी पंजाबी भाषा के ब्रांड एम्बेसडर थे. उन्होंने वहां वहां पंजाबी बोली है जहां किसी का बाप भी नहीं बोल सकता. शेखर जी मुझे पहली बार जब उनके दर्शन करने का मौका मिला मैंने कहा तारा जी आजकल आप पंजाबी फिल्में बहुत कम कर रहे हैं. भी बेटा बात ऐसे है 40-50 साल हो गए बॉम्बे में रहते हुए भी पंजाबी फिल्मों में मेरा हिंदी टच आ जाता है. मैंने कहा जो हिंदी फिल्मों में पंजाबी टच आ रहा है उसके लिए कोई नहीं रोकता. हाँ. भी रोकेगा कैसे भाई, सब जानते मैं पहलवान भी तो हूँ. दरअसल बात ऐसे है बेटे, मैंने बड़ी मेहनत की है फिल्मों में काम करने के लिए. मेहनत की है. अखाड़े में पहलवानों से कुश्ती की है. हाँ. और फिल्मों में हिंदी डायलॉग से. फिर मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि हीरो बनना है मुझे तलफ़ ठीक करना पड़ेगा. मैं क्या सर डिक्शन. मैं कहा जी कहाँ से ठीक करवाया. काला मैकेनिक से. उल्लू के पट्टे इतना भी नहीं पता, उसके लिए उद्रू का टीचर लगता है. उद्रू. मैंने कहा सर उद्रू नहीं उर्दू. हाँ हाँ भाई अर्दू. भाई मैंने टीचर रखा था शेखर साहब. हाँ. उसने आते मेरा टेस्ट लिया, बोला दारा ये देखो हिंदी पढ़ के पंजाबी में ट्रांसलेट करो. राम स्वरूप बीमार था फल स्वरूप मर गया. मैंने कहा बो छोड़ो पहले ये बताओ कि राम स्वरूप बीमार था फल स्वरूप क्यों मरा. बोले समझे नहीं. कहते राम स्वरूप बीमार था प्रणाम फल स्वरूप मर गया. मैंने कहा लो अब तीसरा मर गया. भाई जो बीमार है वो क्यों नहीं मरता. फिर टीचर को समझ आ गया इसके साथ 2 महीने स्पेंड करने पड़ेंगे. तो 2 महीने हम कमरे में है तब जाकर आई. मैं कहा आपको हिंदी नहीं मास्टर को पंजाबी. यहाँ पर देखा जाए तो 70% पंजाबी है 30% बिहारी. अगर आप पंजाब चलो जो उल्टा है 70% बिहारी 30% पंजाबी है. जैसे हम लोग यहाँ बंबई आते हैं कनाडा जाते हैं हर बंदा रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं जाता है. नहीं जाता. जब बिहार से हमारे प्रवासी भाई जिस स्टेशन से उतरते हैं सबसे पहले इनका स्ट्रगल शुरू होता है सुलभ शौचालय से. तो बड़े मौन होते हैं शांत स्वभाव के फालतू नहीं बोलते क्योंकि मुंह में मसाला होता है. और ये जवाब तभी देते हैं जब सामने वाले की बात की वैल्यू मसाले से ज्यादा हो. सबसे पहले स्टेशन से बाहर आते हैं ना आपस में कुछ बात करते हैं. कर दिया ना मैं गोर का सीना बात कैसा मैं कमर क्या लमर को चम चंगी जा बंदा नहीं वाह बोल गया एक बात कर कर दिया बात कैसा. तो एक बंदा बहुत परेशान खड़ा है. क्या हुआ. प्रेशर आ रहा. मार के एक लपड़ाने का प्रेशर आ रहा. सुबह से घपा घप खा रहा था बोल. सुन सामने संडा से चला जा और सुन सारा मत करना दोबारा भूख लग जाएगा. अब थोड़ा आगे गए तो पंजाब पुलिस ने घेर लिया टाइम पास के. तो ओए तुम रहो. हाँ बाबूजी. किधर से. हाँ बाबूजी दरभंगा जिला मूलक से.
कैसे आए हो? बाय यार आए हैं बाबूजी बाय। जहाज पे नई ट्रेन की छत पर बैठ के हवा खाते हैं। हमारे उधर नारा है बाबूजी, हम दो हमारे दो तीसरा हुआ पंजाब भेज दो। क्योंकि बाकी दो को तो बुला ही लेगा। जैसे रुपया जी खींचता है, भैया जी खींचता है। ओ तो ठीक है, तेरा तलाशी लेना पड़ेगा। अरे बाबूजी कहा तलाशी ला, गरीब आदमी का सुख कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बवासीर के बाबूजी। तलाशी लेना पड़ेगा, गठड़ी में क्या है? लाखों का सामान है बाबूजी। अच्छा, करने मजदूरी आए हो और सामान लाखों का? खोलो। ओ खोला। ओए तू तो कह रहा था लाखों का सामान आ जाएगा, मिठुन का सीढ़ी, चार गमछा, पजामा, गुड़ सत्तू, ये क्या है? अरे बाबूजी हमारे चचा का लड़का यहाँ काम करता है, उसका नाम है लाखो यादव, उसका सामान है। लाखों का सामान? लाखों का सामान। तो ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं खेतों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह हम लोग डिपेंड हो गए इन पे। इतने डिपेंड हो गए कि काम सोच भी नहीं सकते। तो गुग्गी पाजी हमारे कुछ दिन पहले सरपंच बन के आए थे, उनका मुझे फोन आ गया जिस दिन वो आए ना। हाँ जसवंत राजे, मैं लाफ्टर में जा रहा हूँ, है ना? तो बात ऐसे बेटा, मेरे ना घर में थोड़ा काम है, तो एक मुंडू मुझे लड़का सजेस्ट कर को अच्छा सा, है ना राजे, जो मतलब शादीशुदा हो। मैं कहा पाजी शादीशुदा क्यों? एक तो देखो शादीशुदा को घर जाने की जल्दी नहीं होती, दूसरा बेइज्जती महसूस नहीं होती। मैं कहा पाजी आपको कैसे पता? तजर्बा। तो मेरा एक दोस्त है गोली, मैंने उसको भेज दिया, वो इंटरव्यू ले रहे हैं गुग्गी पाजी जल्दी जल्दी में। हाँ जी गोली जी, आपकी शादी वगैरह हो गई है? शादी नहीं हुआ बाबूजी, वगैरह दो तीन बार हो गया। बंदा तू ठीक है, बंदा ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है ये फार्म पे? क्या लिखा है? 4 साल का तरबूजा। लिखना तो तजुर्बा था, लेकिन बाबूजी पंजाब में गर्मी बहुत पड़ रहा है, तरबूजा लिखा गया बाबूजी। मेरी बात सुनो, तुझे तजुर्बा तो लिखना आता नहीं, तेरे को काम पे क्या रखूं? हैं? अरे बाबूजी हम तो चेक कर रहा था तुमको पंजाबी पढ़ना आता है कि नहीं। अच्छा अच्छा, तेरा लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे हम खुद जिम्मेदार है बाबूजी, पहले हम शेखर सुमन के घर में काम करता था। अच्छा। कभी भी कोई गलती होता था बोलता था यही जिम्मेदार है। अभी कॉन्फिडेंस आ गया शेखर साहब। हाँ। जैसे हमें 5-7 साल बाद बॉम्बे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बातें आ जाती हैं, पहले नहीं होती। अभी कॉन्फिडेंस आ गया। अभी क्या है, पुलिस को जवाब भी देते हैं, किसी से नहीं डरते। अभी होली वाले दिन 3-3, 4-4 जने बिना हेलमेट के गाना गाते हुए बाइक चलाते हैं। हुने हुने आया बिहार तो होली होली करेंगे तरक्कियां। पुलिस वाले ने घेर लिया, तो हट हट रुक। 3-3 जने एक बाइक पे? 3 नहीं बाबूजी 4। 1, 2, 3। चौथा कहाँ गया? गोविंदा कहाँ? अरे यार वहीं तो दारू पिलाने वाला था। एक तो 3 जने ऊपर से दारू। मुंह खोल नहीं बाबूजी, मुंह नहीं खोल, मुंह खोल नहीं बाबूजी, मुंह खोल। बाबूजी हमने सुना है 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आता है, तुमको 100 रुपये दो तुम चला भी जाता, इससे ज्यादा मुंह नहीं खोलेंगे। अरे बाबूजी मारना मत, यहाँ आईफोन रखा। आईफोन रखा? काम क्या करता तू? स्टूडेंट है बाबूजी। स्टूडेंट का क्या पढ़ता है? पंजाबी पढ़ता है बाबूजी। ओए पंजाबी पढ़ के क्या करेगा? पढ़ेगा पंजाब, तभी तो बढ़ेगा कनाडा। बकवास बंद कर, तुम क्या जानते हो पंजाब के बारे में? अरे पाजी सारा कुछ जानते हैं पंजाब के बारे में, 15-20 सालों का की गल करती है पाजी। हम शादी ब्याह में दारू पी कर ये भी कर लेता है। आकड़ाता है पंजाब के बारे में। तुम क्या जानते हो पंजाब के बारे में? तुम पंजाब में आम लेने आते हो, और यहाँ का लोग जो कनाडा जाता है केला खाने जाता है। और बाबूजी हमको ऐसा कह रहा है, सुना कनाडा में इतना पंजाबी हो गया, तुम लोग जब सिग्नल तोड़ता जो पुलिस आता वो भी पंजाबी आता। तेरी ओए मेरी बात बकवास करता है, यहाँ मजदूरी करने है, मजदूरी कर है। मजदूर है बाबूजी, ठीक है मजदूर है, हम उधर भी मजदूरी करता है, इधर भी मजदूरी करता है, तुम लोगों की तरह नहीं, उधर जाके कनाडा में मजदूरी करता, इधर कोठी को ताला लगा के हमको दे जाता। ओ। हमको कहता हम पंजाब से नहीं है बिहार। अरे तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी हम संभालता है, और जिस जमीन को तुम माँ कहते हो उसको भी हम संभालता है। अरे नेरहुआ छोड़ के पंजाबी राग गा रहा है, लिट्टी चोखा छोड़ के सरसों का साग खा रहा है, तुम कहता है पंजाब हमारा नहीं है। अरे जिस कनक को तुम खाता है उसमें हमारे पसीने का भी खुशबू है, तुम कहता है पंजाब हमारा नहीं है। क्या बात है,
बिहार में पंजाब है, पंजाब में बिहार, हम भाई भाई हैं, ठीक है, भाई इधर भाई, ठीक है बाबूजी, भाई भाई है तो शाम को एलोवेरा पिलाओ हमको। एलोवेरा? एलोवेरा क्या? वही जो पंजाबी गिलास में डाल के कहता है एलोवेरा चीयर्स। यार जसवंत, तुमने जो दारा जी का जो जो इमिटेशन मिमिक्री की वो तो वाकई बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन माइंड ब्लोइंग जो मिमिक्री थी वो थी गुग्गी पाजी की। अरे थैंक यू, आवाज तक तुमने, एक बार फिर से करके दिखाओ गुग्गी पाजी कैसे बोलते। देखो अर्चना जी, बात ऐसे है कि हम पंजाबी हैं, आपने भी फिल्में काफी की हैं, मैं क्या बात, एग्जैक्टली लाइक गुग्गी, माय गॉड, वो मेरे गुरु भाई हैं गुग्गी पाजी। जसवंत, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हंसाने की विधा तो सबको आती है, ये सब लोग आए हंसाए, लेकिन हंसाते हंसाते रुलाने की विधा जो तुम्हारी थी वो बहुत, वो कमाल का एक मोमेंट था। उसके लिए आई वांट टू जी बनता है वो मोमेंट आए, और आपने बहुत अच्छा किया आज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अच्छा एक बात बता जी, ये जो हमारे पंजाबी गाने हैं वो पूरी दुनिया में बजते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात है? देखो सर, कोई भी चीज हिट होती है ना उसका फायदा होता है। मुझे लगता है पंजाबी गाने एंटरटेन तो करते ही हैं, साथ में नॉलेज भी बड़ी देते हैं। जैसे? जैसे आपने गाड़ी खरीदनी हो, नहीं आपको ऐड देखने की जरूरत नहीं है ना, शोरूम जाने की जरूरत नहीं, पंजाबी चैनल लगाओ पता चल जाएगा लेटेस्ट गाड़ी कौन सी आई हुई है। और जनरल नॉलेज बड़ी बढ़ती है आपकी, आम बच्चों की, जैसे सूट पटियाला का, पैग पटियाला का, लड़की कहाँ की, लाहौर की, बॉयफ्रेंड करेक्टरलेस कैसा होता है, कदे फुलते कदे फुलते तितली जैसा होता है, बिजली के रिश्तेदार कौन है, चन्न की भैन बदलां दी कुड़ी, ये सब नॉलेज मिलती है उसमें। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में है, जनरल सवाल है कि जीवन चक्र क्या है? जीवन चक्र मुझे लगता है मैम ये है कि इंसान जहाँ से शुरू करता है घूम फिर के उसको वहीं आना पड़ता है। अब आदमी साइकिल चलाता है, पांव दुखते हैं, बोलता है भगवान मेहनत, मैं कि तेरे माँ मारे मैनू भी बाइक दे, बाइक मिल जाती है, बाइक चलाता है पेट दुखने लगती है, बोलता है यार गाड़ी मिल जाए, गाड़ी आ जाती है, गाड़ी में कम्फर्ट जोन में आया था पेट बाहर आ जाता है, बोलता पेट आ गया थोड़ा जिम विम ज्वाइन करे, जिम जाके फिर साइकिल चलाता है, ये जीवन चक्कर है। आप ये बताइए पुरानी फिल्मों में अगर मोबाइल होता तो नजारा क्या होता? मैं सोचता हूँ अगर पुरानी फिल्मों में मोबाइल होता आज से 20-25-30 साल पहले, तो आई थिंक सारी फिल्में कॉमेडी ही होती। क्यों? डायलॉग उसके वैसे होते। अभी कर्ण अर्जुन पुनर्जन्म वाली फिल्म, अमरीश पुरी ऑनलाइन राखी को चेक कर रहा है कि नहीं? अरे केसरिया, अरे आज बुढ़िया ऑनलाइन नहीं आई, लगता है उसकी काम वाली बाई नहीं आई। आ गई आ गई आ गई, अभी वॉइस मैसेज भेज रहे। अरे बुढ़िया, अब तो तेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, अब तू क्या करेगी? तो राखी, दुर्जन सिंह मैं वो माँ नहीं हूँ जो बेटा के लिए तरसती, मैं डेटा के लिए तरसती हूँ। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वो नया चार्जर लाएंगे, फिर रात को 2-2 बजे तुम्हें 2 बजे वाले मैसेज भेजूंगी। पर मुझे तुम इस समय बिल्कुल सुनील शेट्टी दिखाई दे रहे हो, अब उसकी आवाज में कुछ करो। मैं समझता हूँ शेखर तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमने एक से बात कर एक फिल्म साइन की थी। और आई थिंक मुझे लगता है कि शेखर वो यारों का यार है जो कभी दोस्तों को भूलता नहीं। और अर्चना को मैं कैसे भूल सकता हूँ, बड़े दिल वाला में मेरी ये घरवाली बनी थी। बहुत तंग किया था तुमने मुझे। बहुत 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 बहुत। फाइव स्टार होटल में इनकी कोई भी पूरी नहीं हुई, हसरत, ये जो भी करें हमें हंसाना ही है, इनकी फितरत। प्लीज वेलकम अपूर्व गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। अर्चना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। आपकी 3 मूवी मेरी फेवरेट हैं। कौन सी? पहली राजा हिंदुस्तानी, जिसमें आपने करिश्मा कपूर की मॉम का रोल प्ले किया था, है ना? दूसरी मोहब्बतें, प्रीतो जी का रोल प्ले किया था। और तीसरी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें आपने अंडरटेकर का रोल प्ले किया था। रिस्पेक्ट है आपके। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। नहीं मिले मुझे उसके।
शेखर जी, मेरी बहन रहती है कनाडा में और हर साल वो गर्मियों की छुट्टियों में आ जाती है और जब भी आती है अपने साथ एक भारी भरकम चीज लाती है, अपना फेक एक्सेंट। हेलो अपूर्व, हाउ आर यू? हाउ फार इज चांदनी चौक? मैं कहा पहले तो गुटका थूक के बात किया कर मुझसे, ढंग से बात किया कर। और मैं कहा चांदनी चौक का क्या करना? कहती आई नीड टू बाय लहंगा। लहंगा तो मैंने निकाली हम सबकी फेवरेट कार 800। शेखर जी आपके पास भी होगी, अर्चना जी कभी आपके पास भी होगी। उसको देख के बावली होगी, कहती ओह माय गॉड विंटेज कार, हाउ स्मॉल इज दिस। और लोगों को 800 के फायदे ही नहीं पता। शेखर जी जैसे आपके पास महंगी कार है, उसको आप 20 सड़क पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। 800 को कहीं भी छोड़ दो, टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहते बम होगा भाई, इससे दूर हो जा, पक्का बम होगा इसके अंदर। अरे 800 इतनी तगड़ी कार है, वो सिग्नल भी तोड़ देना पुलिस वाला नहीं रोकता। कहता है इसको रोक लिया बंद पड़ गई, जाम और लग जाएगा, धक्का लगाना पड़ेगा इसके चक्कर में। तो हम पहुंचे चांदनी चौक अपनी 800 में, और चांदनी चौक में अभी भी कुछ नहीं बदला। कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा है, मूंगफली के छिलके आपके सर पे गिर रहे हैं, पांव पे कीचड़ लग रही है। और जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो GPS बहुत यूज करते हैं। तो मेरी बहन वहां पे ढूंढे जा रही है, ये लहंगे शॉप का है, लहंगा शॉप का है, लहंगा शॉप का। मैंने कहा बहन सुन, GPS यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है सड़क, जो चांदनी चौक में नहीं है। अरे आज से 5-6 साल पहले काला बंदर आया था, वो भी छत पे ही कूदी मार के चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, इतनी भीड़ हो रखी है, बावले हो रखे हो क्या। और चांदनी चौक में इतने बेचू लोग हैं ना, वो पूछते हैं आपसे कि भाई साहब क्या चाहिए, तो आप बोलते हो लहंगा चाहिए, हाँ जी भाई साहब कौन सा, मनीष मलोत सब्यसाची ऋतु कुमार। तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, मैंने कहा फर्स्ट कॉपी बना रहे हो क्या? कहता नहीं सर हम ओरिजिनल बनाते हैं, वो हमसे फर्स्ट कॉपी लेके जाते हैं। क्या बात। और इतने डेडिकेटेड होते हैं सेल्समैन, सब कुछ बेचना चाहते हैं। जैसे आप एक लहंगे पे हाथ रख दो, खुद पहन के दिखा दूंगा, हाँ जी दीदी कैसा लग रहा है। साड़ी पे हाथ रख दो, हाँ जी भैया जी कैसा लग रहा है। दो के बाद तो मैंने उसका हाथ रोक लिया, मैंने कहा ये क्या मजाक है भाई, दीपिका की फोटो लगा रखी है अंदर, सस्ता रणवीर कपड़े पहन के दिखा रहा है। खैर जैसे तैसे हमने लहंगा लिया, हम बाहर निकले तो बारिश हो रही थी, और तो बारिश का सीजन चल ही रहा है। और बारिश में मैंने देखा दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बारिश आती है ना घर में एसी में बैठ के मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। उनके घर में बारिश नहीं आती ना तो वो शीशे पे स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बूंदों वाली पिक्चर क्लिक करनी होती है इंस्टाग्राम के लिए। और दूसरे होते हैं हमारे टाइप के, जिनके माइंड में होता है बारिश आ गई है समोसे मिल जाए, ओहो मजा ही आ जाए। और मैं परेशान हूँ समोसे वाले के क्वेश्चन से, आप बोल लो 150 समोसे चाहिए, उसका वही क्वेश्चन आता है खाने ले जाने। मैंने कहा ले जाने फिर खाने। और झूठ इतने तरीके से बोलेंगे, आप बोलो समोसे गर्म है, ठंडे समोसे पे आता अभी निकाले अभी निकाले जस्ट राइट नाउ। तो मैंने बोला समोसा एक कितने का दिया? कहता है 25 रुपए का। मैं कहा काफी महंगा हो गया? कहता है हाँ पनीर डाला है ना, इंडिया में पनीर डालने के कुछ भी महंगा कर देते हैं, और पनीर डालने काजू डालने किशमिश डालने। मैंने कहा सुन गाजर का हलवा बना रहा है क्या तू इसको? मैंने कहा ऐसा कर 10 का पनीर अलग कर ले, मेरे को बस समोसा दे दे। तो हम 800 में घर पहुंचे, तो मेरी बहन फिटनेस फ्रीक है अर्चना जी आपको तो पता ही होगा, तो हम क्या करते हैं वो ना समोसे को ऐसे टिश्यू पेपर से सोखती है और फिर डाइट कोल्डिंग के साथ खाती है। तो मैंने पूछा ही क्यों करी है? कहती इसमें फैट होता है ना फैट, कार्ब्स होते ना कार्ब्स, ऑयल होता है ना ऑयल। मैंने कहा मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दे रहे हैं ना है। तो जो मेरी बहन है वो समोसे खा दी थी, और फिर कहती अच्छा ऐसा करती हूँ मैं पापड़ी खा लेती हूँ, अब मसाला खा लो। अब होता क्या हमारे घर में सब पापड़ी खा लेते हैं, एंड में किचन में आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को। फिर कहते गुप्ता जी तोंद कम नहीं हो रही है, आलू खत्म नहीं हो रहे मेरी लाइफ पे यार। तो फिर वो कहती है कैन आई गेट अ टी, चाय मिल जाएगा? और चाय एक पिए तो समझ में भी आता है, लोग 5-5, 6-6 चाय पी लेते हैं, और उनसे पूछो चाय क्यों पीता है, आलस भगाती है भाई, सुबह पी के देख नींद खुल जाती है। मतलब दिल्ली की 42-45 डिग्री में लू चल रही है, धूल चल रही है, उसमें चाय पी लूंगा, गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी बहुत है। तो आप पूछ तो भाई फिर चाय क्यों पी रहा है? भाई साहब लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटेगी। मैंने कहा अंगारे डाल ले, गर्मी गर्मी को काटेगी। और कॉफी कम लोगों को, यहाँ पे कितने लोगों को कॉफी बनानी आती है?
काफी कम. चाय कितने लोगों को बनानी आती है? सबको. See, that's my point. चाय सबको बनानी आती है और फिर भी अच्छी नहीं बना पाते. कुछ लोग उसमें अदरक डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, तुलसी के पत्ते डाल देंगे, फिर भी अच्छी नहीं बना पाते. मैंने कहा इतनी जड़ी बूटी डालने के बाद कैंसर की दवा बन जाए. सही है. तो इसने चाय पी तो मैंने इससे मजे लेने के लिए पूछा, मैंने कहा हाउ वाज द टी, चाय कैसा लगा? कहती पहले गुटका थूक के आ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. दिस इज अपूर्वम. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच. अपूर्वम, तुमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेविटी के साथ अपना एक्ट पेश किया. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. और जिस मुस्कुराहट से और जिस ईज के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन है तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आई लव्ड योर एक्ट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. यार मैं जानना चाहती हूँ अपूर्व, दैट आप दिल्ली से हैं, करेक्ट? तो दिल्ली में और मुंबई में सिमिलैरिटी क्या लगती है आपको? मुझे लगता है सिमिलैरिटी दिल्ली बॉम्बे में नहीं, पैन इंडिया में एक चीज कॉमन है, जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सुपरमार्केट, वो हर जगह कॉमन है. एक तो इतना बड़ा बना देते हैं, इतने बड़ा, मतलब मैंने लोगों को खोते हुए देखा हुआ है वहां पे. मतलब एटीएम के पास अनाउंसमेंट हो रही थी, बच्चा पड़ा हुआ है किसी का, पड़ा हुआ रेड कलर की शर्ट है, ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं. पहले तो जिसका बच्चा, इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो, है जोकर बना के ले आते हैं. और एक वहां आप कभी भी चले जाओ, कितने भी लकी हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ दो चल रहे होंगे. बिल्कुल यार, ये क्या, फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा. बोलेगा सर चुमन, फिर आपकी 50 आइटम में से दो का बारकोड नहीं चल रहा होगा. वो अपने साथ वाले को बोलेगा इसका दूसरा पीस लेके आ. वो आधा घंटा घूम के आएगा, आपसे आके बोलेगा अरे सर लाए कहाँ से थे, कहाँ से थे. तो आप उसे बताते हो कि लाल मिर्च से राइट लेना, नमकीन से लेफ्ट लेना, फिर चिप्स आएंगे वहां से सीधा जाना, और फिर बिस्कुट आएगा उसके जस्ट नीचे, खा मत लियो, कुत्ते की बिस्कुट है, ठीक है. फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है सॉरी सर आखिरी पीस ही था. फिर ये और काउंटर वाला बंदा मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं. और मैं सोचा था जब तू कर सकता ये कर सकता था तो एक घंटे से उसके 10,000 शब्द कंप्लीट करवा रहा है क्या है? फिर आपके पास 1.5 करोड़ आइटम हो, उसका वही क्वेश्चन आता है सर कैरी बैग कर दो, कैरी बैग बनता है तो कैरी बैग. मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूँ, और मैं तेरी खुशी के लिए ऑक्टोपस, फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना. फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 1900 रुपए का है. आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती? वो 1900 रुपए यहाँ चुभ रहे होते एकदम यहाँ. तो यही सिमिलैरिटी लगती है मुझे तो पूरे इंडिया में. बहुत अच्छा. अपूर्व ये बताइए, आप जब यहाँ आए जी और पहली बार परफॉर्म किया, तो घर वालों ने जब आपको टीवी परफॉर्म करते देखा तो किस तरह से रिएक्ट किया? मैं ना लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेता, स्पेशली घर वालों को, क्योंकि जो हम लोग है ना, हम अभी कंफ्यूज ही हैं, बहुत भूले हैं. हमारा जो स्क्रिप्टेड शो होता है उसमें तो हम बावले हो जाते हैं मेरे घर वाले कि देखो कितना ओरिजिनल दिखा रहे हैं, मेरी सास भी ऐसा ही करती है, मेरी बहू भी, जिसमें वो लिखा हुआ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है. और रियलिटी शो में करेंगे सब डिसाइडेड होता है भाई साहब, सब डिसाइडेड होता है, कुछ नहीं हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, सब डिसाइडेड है. गाना तो पहले ही गा लेते हैं, यहाँ तो मुंह हिला रहे होते हैं ये लोग. तो उनकी बातों को सीरियसली लेने का कोई पॉइंट है नहीं, मतलब ना घर वालों को. प्रशंसा मिली ना पेरेंट्स से आपको, दोस्तों से, नेबर से, वो तो मिलती है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. बॉलीवुड की डायलॉग बाजी के साथ लाफ्टर की बाजी जीत कर दिखाया इन्होंने अपना हुनर. क्या इस बार भी ये जजेस की हंसा हंसा कर करेंगे छुट्टी? लेट्स फाइंड आउट. प्रेजेंटिंग द बॉलीवुड बॉयज गौरव दुबे एंड केतन सिंह. हमारे पिछले डिबेट के अपार सफलता के बाद और हमारी जीत के वजह से एक बार फिर से पेशे खिदमत है मेरा डिबेट वाला शो, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पर मेरे ओपिनियंस के आगे आप लोगों के लॉजिक्स की कोई औकात नहीं है. कुछ अहम मुद्दे यहां पर मैं लेके आया हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ अहम मुद्दे जो मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं. उनमें से कुछ मुद्दे, सबसे पहला, ये जो डिनर सेट होता है इस पे हम लोग लंच खा सकते हैं क्या?
बहुत अहम मुद्दा। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे। What have you done to this मासूम कबूतर? वो अटरिया पे क्यों लोटन कर रहा है? All of this later tonight. लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ladies and gentlemen, वो है सोशल मीडिया। ये जिंस्टा, ये फेसबुक, ये ट्विटर जो हमारे हमारे समाज को खोनकला कर रहा है। खोनकला सेम कर रहा है। समाज को दीमक की तरह चांट रहा है ये। चांट रहा। क्या आप सब लोगों को चांटना इतना पसंद आया? एनीवेज, एक वक्त हुआ करता था शेखर सुमन जी कि जब वायरल होता था तो लोग उसका इलाज कराते थे। अब उन्हें वायरल होता है तो पता है वो क्या करते हैं? फकर करते हैं। कंट्रोल रूम, डिड आई प्रोनाउंस दैट राइट? सो टू बिगिन द डिबेट, आई'd लाइक टू कॉल द फर्स्ट गेस्ट ऑन द पैनल, लेडीज एंड जेंटलमैन। लवली, बहुत बढ़िया। सुन साहिबा, सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिथुन टुन 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 टुन। बॉयज, अरे यार, अरे यार, अर्चना, आई लव योर पूरन रे। अरे यार शेखर, आई लव योर सुमन रे। अरे यार रोशन, अपना काम कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अधेड़ उम्र में ऐसी बचकांड हरकतें करना कोई मामूली बात नहीं है। सामूहिक लेवल पे बेइज्जती कराते हैं ये, काबिले तारीफ है मिथुनदा। अरे ये मैं अकेला नहीं हूँ जो बचकांड हरकतें करता हूँ, ये भी है। ए, नो। अबे ये भी जो नाम लिखा है ये अच्छा। I'd like to introduce my next guest on the panel, ladies and gentlemen. Tu na mari entry to dil mein baji ghantiya re tan 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 tan. Ladies and gentlemen, Ajay Shiv Gun 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 Gun. Please welcome. Ajay, what? What? Just one second, ladies and gentlemen. Ajay ji, आपके मुंह के अंदर जो केसरी भरा है वो थूक के बात कीजिए। अजय जी, वंस एंड फॉर ऑल इस दुनिया के लिए क्लियर कर दीजिए कि आपकी गर्दन टेंढ़ी क्यों रहती है? वो एक्चुअली क्या है कि फूल और कांटे की तरह मैंने बाइक पे दो पैर रख के हाथ में फोन लेकर रील बना रहा था। और तभी अचानक बीच में खंभा आ गया और मेरे फूल और कांटे टूट गए और गर्दन भी टेढ़ी हो गई। Oh my God, ladies and gentlemen, ये दुर्गति हो रही है मानवता के साथ। At this point, I'd like to introduce my next guest. Sun, please welcome Ravi D.C. Chan. आ चुके हैं बाबू, नहा धो के फ्रेश होके गंगा जी में डुबकी लगाए, पांच का सिक्का पाया। एंड जहां चार यार मिल जाए वही रात ले गुजर। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट, खिलाड़ी कुमार। ओहो, ओ क्यों थक रहे हो? क्यों थक रहा? मुझसे शादी करोगी? खिलाड़ी कुमार, बिहेव योरसेल्फ। रोशेल के पास से दूर हटिए वरना मैं ट्विंकल को बता दूंगा तो वो आके आपका लिटिल स्टार निचोड़ देंगी। है क्या बोलता तू मेरे को? है ये बता, ये शाम के 4 बजे मेरे डिनर का टाइम होता, मुझे क्यों बुलाया? क्यों? All right,
मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोग को एक बार फिर कि बच्चा बच्ची लड़का लड़की बुढ़ा बुढ़ी चोकरा चोकरी सब लोग मोहताज हो चुके हैं सोशल मीडिया के, तो क्या ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर हम डिबेट करेंगे ऑन अ पर्सनल लेवल. रवि जी, आई'd लाइक टू आस्क यू, क्या आप सोशल मीडिया चलाते हैं? हाँ बाबू, हम चलाते हैं. जब कभी नहीं चलता तो किक मार देंगे. फिर भी नहीं चलता उसको टेढ़ा करते हैं. फिर उसके साइलेंसर जो कचरा फंसा होता है उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं और चलाते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं. वन सेकेंड रवि जी, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे बाइक कहते हैं. लो बाबू, बाइक तो उसे कहते हैं जहाँ हम स्टोरी बनाते हैं, फोटो डालते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं. जहाँ 12-12 घंटे हम बर्बाद करते हैं, हम तो कहते हैं ये शराब से भी गंदा नशा हो गया, इसको बैन करना चाहिए. बैन. Did you all notice? बहुत इनका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं. करो करो टेस्ट करो. रवि जी, हाँ ये फूल लीजिए तो जरा. इसे सूंघ के बताइए. अच्छा है, गेंदे का फूल है. अच्छा, एक बार इसे नजदीक से देखिए. अद्भुत. अच्छा, इसे इसे खाने की कोशिश करिए. बस समझ गए, समझ 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 समझ. पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है. नाउ मिथुनदा, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके हिसाब से ये सब, ये सोशल मीडिया, ये जिंस, ये सब बैन होना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बैन होना चाहिए. क्योंकि इस पे अजीब अजीब हरकतें करके लोग अपलोड करते हैं, ये नौटंकी करते हैं, फफुंदरी करते हैं. अगर यही सब करना है तो मैंने जो 40 साल इंडस्ट्री में दिया है, अरे वो देखो रे, मेरी फिल्में देखो, गुंडा पापी गुड़िया वो सब देखो. वो अगर देख लोगे ना तो मुझे लाइफ टाइम बकचोनर अवार्ड दोगे. अक्षय, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए. एक तो साउथ वाले एड़ी रगड़ रगड़ के हमारी फिल्मों को रगड़ दिए. क्यों बन, अरे कोई तो ऐसी चीज हो. नाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, एट दिस पॉइंट आई'd लाइक टू ओपन द डिबेट. जहां पर रवि जी कहते हैं कि वो बुरी लत है, शराब से भी बुरी लत, उसे बैन होना चाहिए, एंड अक्षय इज सेइंग कि हाँ इसे रहना चाहिए. आप दोनों के पास 20 सेकंड्स, प्लीज ओपन द डिबेट. बाबू, अक्षय वा तो चाहता है कि सोशल मीडिया चालू रहे ताकि ये जो है अपना विज्ञापन करता रहे. हम तो कहते हैं इसकी जो लास्ट पिक्चर आई थी ना, उसको सोशल मीडिया पे अगर स्टोरी में डाल देता 15 सेकंड, वो ज्यादा चलती. झगड़े पे नमक छिड़क रहा है तू, झगड़े पे. बाप को मत सिखा, बाप को मत सिखा. बाबू ये सब नहीं है, हाथ पीछे. अब हम देखना अपनी उंगली से कैसे उनकी नाभि में घुसेड़ते हैं. मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा. रवि, रवि जी, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ डबिंग चल रही है. डबिंग नहीं, डिबेट चल रहा है. बोथ ऑफ यू स्टॉप, स्टॉप नाउ. एक्स्ट्रा करेगा मैं भूल जाऊंगा. वन सेकेंड रवि जी, जो आपने किया ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा. आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, इट्स माय ब्लेजर. Illogical and senseless बातें कर रहा है आदमी. इसका आपको कोई हक नहीं है. कारण कि जेव्हा मी बोलतो तेव्हा फक्त मीच बोलतो, कळलं पाहिजे तुम्हाला. बाबू, yes. राजनीति में जैसे ही बदलाव आ गया, तुम्हारा तो भाषा ही बदल गई. चले गुवाहाटी. फॉर सर्टन रीजन मेरे शो पे हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते.
कोई फालतू की बातें हो तो बताइए आप लोग तीनों. लेडीज एंड जेंटलमैन, सोशल मीडिया यहाँ पर जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश जो कि मेरी मातृभाषा है, इसकी द्रुतगति की जाती है, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे. लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, व्हाट इज लॉल, रॉफल माओ, लमाओ. अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो भाषा होती है शॉर्ट फॉर्म्स, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ, मैं समर्थन करता हूँ. मैं पूरा समर्थन, मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म जिंदाबाद. मैं तो चाहता हर चीजें छोटी हो जाए, छोटी छोटी शॉर्ट हो जाए. ये लंबे लंबे डायलॉग मैं बोल भी नहीं पाता. मैं तो कहता हूँ फिल्म रिलीज करो, डायलॉग व्हाट्सअप कर दो. आलस की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं हम लोग. ये आलस अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे समाज का क्या होगा? मोने पोरे रूबी रॉय को भी था तुम्हें के एक दिन कोठो कोड़े देखी थी. लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर मैं आपको साफ साफ कह दूं कि आलस से हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे. हम लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए. मिथुन ना, मेरा पेन गिर गया, प्लीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. हम लोगों को यही सोच बदलनी है. सोच? हमें वायरल नहीं, हमें रिलायबल होना होगा. वाह वाह. मेरे जैसा एक जिम्मेदार नागरिक जो आज अपने फील्ड में इस देश को जोड़ने का काम कर रहा है. वी हैव टू मेक श्योर लेडीज एंड जेंटलमैन कि कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सोशल मीडिया पे मेरे बातों में लॉजिक्स लगा के मेरे काम पर पानी ना फेरे. इसलिए हमें यह सोशल मीडिया बंद करना होगा. यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो. यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां. यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया. सोशल मीडिया बंद करो. सोशल मीडिया बंद करो. यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो. यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो.